दोस्तों ये एनिमल्स देख के आपको ये तो लग ही रहा होगा, इंडिया में इसको नीलगाय कहा जाता है, अमेरिका या यूरोपीय कंट्रीज में इसको विल्डेविस्ट कहा जाता है। और इंडिया में जिस तरीके से डोमेस्टिक काउ की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, ऐसे इस जंगली जानवर की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। जंगल नहीं होने की वजह से यह जानवर किसानों की खेती को बर्बाद करने के लिए बड़ी संख्या में एरिया में आ जाते हैं। एक लड़का आप वीडियो में देख रहे हो, लगभग 200, 300, 400 के आसपास नीलगाय हैं, इनके पीछे दौड़ रहा है। कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है, ये सारी नीलगाय रुक कर इसका सामना करने की कोशिश करती हैं। कई बार ऐसा भी लगता है कि जैसे इस लड़के के पीछे ये दौड़ेंगी, लेकिन नहीं, ये लड़का भी बड़ा हिम्मत वाला दिख रहा है मुझे, वो इनके पीछे दौड़ने लगता है और ये सारी एक साथ भागने लगती हैं। लेकिन सोचनीय बात यह है कि हम मानव जाति ने इनके क्षेत्र पर अधिकार किया है, या फिर ये हमारे क्षेत्र को हत्याने के लिए इस एरिया में आती हैं। मैं तो ये कहूँगा कि सारे जंगलों को जब हमने खेती में बदल दिया या छीन लिया, तो ये जंगली जानवर कहाँ जाएंगे? ये जंगली जानवर भी बेचारे गांवों की तरफ प्लान करने लगे। जंगलों में पानी नहीं रहा, खासकर हरियाणा और राजस्थान, यूपी इस एरिया में, या फिर हिमालय की पहाड़ियों पर यह है एनिमल बहुत ज़्यादा, ये नीलगाय बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएंगी। और पानी की तलाश में और खाने की तलाश में ये घूमते घूमते किसानों के खेतों में आ जाती है। दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक दूसरे को शेयर भी करें। धन्यवाद।